जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वृष राशि के मासिक राशिफल अप्रैल 2018, कौन सा काम होगा पूरा और कौन सा रहेगा अधूरा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। वृष राशि में जन्मे सभी जातकों को आज मैं बताने वाली हूँ अप्रैल 2018 का मासिक राशिफल। आपने हर हालात में अपने संयम को बनाए रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए अप्रैल 2018 अब आपको भविष्य के लिए धैर्य के लिए नए तोहफे सौंप सकता है। वृष राशि में जन्मे अधिकांश लोगों को अप्रैल में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। आपके राशि स्वामी ग्रह शुक्र का आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। वैसे भी संवत 2075 प्रारंभ हो चुका है और आगामी समय में कुछ ग्रहों की वृष राशि पर विशेष कृपा बनने के संकेत है। अप्रैल के करीब 14 दिन आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नई कामयाबी सौंप सकते हैं। अप्रैल का दूसरा सप्ताह रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा, जबकि अंतिम सप्ताह में आपको ऐतिहासिक आर्थिक मजबूती मिलने का योग है। अप्रैल की 6, 14, 21, 25 और 28 ये तारीखें आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों से खुशी के पैगाम ला सकती है। इस महीने बहुत से अधूरे काम आपके पूरे होने की संभावनाएं हैं। इस बार कोई भी फैसला भावुक होकर ना लें और न ही किसी दुविधा पूर्वक स्थिति में लें। सही समय पर अगर आपने सही फैसले ले लिए तो आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। वृष राशि में जन्मे विद्यार्थियों में नई ऊर्जा गतिशील होने का योग है और बेहतर परिणाम प्राप्त होने के संकेत है। इस राशि की महिलाओं को किसी पुराने निवेश व पुरानी मेहनत का फल मिलने का भी योग है। संवत 2075 के राजा सूर्य की कृपा से बहुत से वृष जातकों का सोया भाग्य भी जाग सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव तो रह सकता है, लेकिन पदोन्नति, वेतन लाभ व मनचाही ट्रांसफर के रास्ते भी अचानक खुल सकते हैं। बेरोजगार वृष जातकों के लिए अप्रैल का महीना कामयाबी की नई किरण बनकर आएगा। हो सकता है कि इस महीने में भी आपके कुछ काम अधूरे रह जाएं, लेकिन सितारे पक्ष में होने के कारण अधूरे कामों में भी सफलता का रास्ता आपको खुलता हुआ अवश्य नजर आएगा। आमदनी के कुछ नए स्रोत भी अप्रैल महीना में आपके सामने होंगे। इस महीने पुराने परिश्रम व पुरानी योजनाओं का कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। विभिन्न धातुओं व तरल पदार्थों से जुड़े कारोबारी लाभ तो ठीक मिलेंगे, लेकिन उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव के कारण थोड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। भवन निर्माण सामग्री व पेंट्स के व्यापारी मध्यम श्रेणी के लाभ से लाभान्वित होंगे। सराफा बाजार से जुड़े लोगों को बाजार की उठा पटक का सामना करना पड़ सकता है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कागज, कपड़ा, कोयला, सूत व कपास के व्यापारी थोड़ी मंदी का दौर भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े कारोबारियों के लिए अप्रैल काफी ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। मोबाइल्स, कंप्यूटर्स व बिजली उपकरणों के कारोबार से संबंधित लोगों को कोई अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है। अनाजों, दालों, मेवा, मसालों, किराना व फल सब्जी के कारोबार से जुड़े लोगों को सामान्य लाभ मिलने की संभावना है। शेयर बाजार व वायदा बाजार से जुड़े लोग अप्रैल में थोड़ा सतर्क रहें, बाजारों में मंदी तेजी ज्यादा होने का अनुमान है। किसी भी नए काम के लिए अप्रैल के महीने में मंगल, बृहस्पति और शुक्रवार ये तीनों उत्तम है और यात्रा के लिए रवि व सोमवार अच्छा रहेगा। अप्रैल में चिकित्सकों, वकीलों, कलाकारों व किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कुछ नए खर्चों से भी सामना होगा। वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समय तो ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भागदौड़ ज्यादा होगी। राजनीतिज्ञों व कर्मचारियों के लिए समय कुछ संघर्षपूर्ण रहने के भी संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अप्रैल लगभग ठीक है। नए रिश्ते जुड़ने से परिवार में प्रसन्नता आएगी, कुछ नए भौतिक साधन मिलने का भी योग है। लेन देन की कुछ परेशानियां घट सकती है। प्रेम संबंधों में उग्रता ना दिखाएं, अन्यथा रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बिगड़े कामों में सुधार के संकेत है। ये महीना आप सबके लिए शुभ
व मंगलमय होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।